नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खेत या प्लाट के बारे में बताऊंगा जो कि आलू के आकार का है, या फिर कहें कि अनियमित आकार के है, आकार का है, यानी कि ना अंडे के आकार का है, न वर्ग है, न आयत है। जैसे आलू होती है टेढ़ी मेढ़ी, उस आकार का है, तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, हालांकि एकदम 100% तो इसका क्षेत्रफल सही नहीं निकाला जा सकता, फिर भी अगर आपको ये पता ही करना हो कि ये जो हमारा खेत है इस आकार का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लगभग लगभग जो निकालता है क्षेत्रफल वो सही ही निकलता है। अब ये है कि 100% आयत और वर्ग और वृत्त की तरह सही नहीं आता, फिर भी कुछ तो आइडिया हो जाएगा, 99% तो सही रहेगा। तो यही हम लोग सीखेंगे आज विस्तार से। इसमें आपको बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। देखिए, ये जो खेत है आपके सामने, इसी खेत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ नीचे तो कहीं से मतलब लगभग लगभग वृत्ताकार है, लगभग लगभग चांद के आकार का है, लेकिन ऊपर जो है ये टेढ़ा हो गया है, अंदर की ओर घुस गया है। तो काम करिए, जहां अंदर की ओर घुसा है वहीं से बीचों बीच आप एक लाइन खींच दीजिए नीचे। ठीक है, जहां से ये अंदर की ओर घुसा है वहीं से बीच से एकदम नीचे तक लाइन खींचिए। नीचे तक लाइन खींचने का मतलब कि आप यहां से डोरी लगा करके बिल्कुल सीधा यहां तक नापिए कि कितना है। उसके बाद ये आपका पहला भाग हो जाएगा और ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। पहले भाग का अलग क्षेत्रफल, दूसरे भाग का अलग क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए, पूरा आ जाएगा। अगर आप इसे दो भागों में नहीं बांटेंगे तो जो क्षेत्रफल निकलने वाला है, यानी रकबा निकलने वाला है, वो काफी हद तक सही नहीं रहेगा। लेकिन आप दो भागों में, या और अच्छा होगा कि आप इसे तीन भागों में बांट दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने दो भागों में इसे बांटा और जो लाइन खींचा, इसकी लंबाई है 40 फुट। 40 फुट, यानी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे सिखा रहा हूं कि इस तरह का अगर खेत है तो आप इसका क्षेत्रफल, जहां बिल्कुल भी निकालना नहीं जानते थे वहां कम से कम जान जाएंगे कि इस तरह से निकलता है। तो यहां से यहां नापा 40 फुट आया। अब देखिए, इधर का जो प्लाट है इसमें कहीं भी जो लंबाई है या चौड़ाई है एक बराबर नहीं आएगी, क्योंकि ये भुजाएं इसकी टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसकी कई लंबाई निकालिए और कई चौड़ाई निकालिए, तब सही आएगा। अगर एक ही लंबाई और एक ही चौड़ाई को करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लंबाई मान लूं, यहां से यहां तक को लंबाई मान लूं और यहां से यहां तक को चौड़ाई मान लूं, तो आप क्या करिए, यहां बीच से एक लाइन खींचिए यहां, यानी इन दोनों के आधे से इधर बिल्कुल सीधी डोरी लगा करके इसे नाप लीजिए। और मान लीजिए कि हमने जब नापा तो ये आया 50 फुट। कितना आ गया? 50 फुट। ये 50 फुट आया, लेकिन यहां से यहां तक 50 फुट है। अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो हो सकता है कि वो 50 फुट ना हो, कम या ज्यादा हो, है ना, कम या ज्यादा हो। तो ये थोड़ा सा इधर घुस गया है, थोड़ा सा गलत बना है, इस तरह रहेगा। तो एक लंबाई और नापिए इसकी, यहां से यहां, मतलब थोड़ी दूर ले जाकर के एक और नाप लीजिए। तो ये जब हमने नापा तो ये आया 45। इसके ऊपर एक और नाप लीजिए, इस रेखा पर मान लीजिए ये आ गया 40, और फिर आप एक और नाप लीजिए यहां तक, तो ये मान लीजिए आ गया 35। इसी तरह यानी तीन ऊपर नापे हैं, तो तीन नीचे भी नाप लीजिए, 1, 2, 3।
और इनकी लंबाई आ गई 46 44 40, 46 44 40। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इसे आप समझिए। बीच से जब हमने किनारे तक नापा तो वो 50 फुट आया, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही ऊपर जाएंगे ये भुजाएं किनारे वाली तिरछी हो गई है, मुड़ गई है। तो 50 अगर इसकी लंबाई यहां पर है तो इसके ऊपर कहीं भी 50 फुट नहीं होगी, 50 फुट से कम रहेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कम से कम 5 रेखाएं खींच करके नापेंगे, अधिक से अधिक चाहे जितना कर दीजिए, जितना ही ज्यादा नाप लेंगे उतनी ही ज्यादा सही आने की संभावना है। फिर हाल कम से कम 5 तो नापिए ही, लेकिन मैंने 7 नापा है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप 5 भी नापेंगे तब भी ठीक है। अब इधर से तो मैंने 5 नाप लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस प्लाट की औसत लंबाई निकालूंगा। औसत लंबाई में क्या होता है कि सारी लंबाई को जोड़ करके जितनी लंबाई है उसका भाग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे लिख दिया मैंने 7, और ऊपर पूरा मैंने जोड़ दिया जो भी था, 35 40 45 50 46 44 और 40, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने पर आएगा 300। किसको जोड़ने पर? इन लंबाइयों को। 300 में 7 का भाग करिए, क्या आएगा? 42.85, 42.85 फुट। ये आपकी आ गई औसत लंबाई। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने 7 लंबाइयों को नापा है, 42.85 आया। अगर मैं 3 ही नापता, यानी कि यहां नाप लिया, 1 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 1 5, 5 ही लंबाई को नापता, तब भी क्या औसत लंबाई 42.85 आती? तो बिल्कुल एकदम 42.85 तो नहीं आती, लेकिन 42 के ही आसपास रहती। ऐसा नहीं है कि आप 5 नापे थे तो जैसे मैंने 7 नापा तो 42 आया, अगर आप 5 नापते तो हो सकता है कि 35 आ जाए या 50 आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 42.85 आया है तो 42.756 ऐसा हो सकता है, मतलब मामूली परिवर्तन होगा, वो भी दशमलव के बाद, इसके पहले नहीं। क्योंकि जब आप लंबाइयों को बढ़ाएंगे यानी अधिक लंबाई नापेंगे तो नीचे अधिक संख्या भी होगी, उसका भाग करेंगे तो वो अपने आप औसत में एडजस्ट कर देगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि मुझे 5 लंबाई नापना है कि मुझे 7 की 10, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप नापिए, क्योंकि जितना ही ज्यादा नापेंगे उतने ही ज्यादा सही होने का चांस होगा। तो हमारी औसत लंबाई आ गई 42.85, जबकि 42.85 कोई लंबाई नहीं है। फिर हाल हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा पहला प्लाट है इसकी लंबाई 42.85 फुट है, ठीक। अब इसी तरह से हम नापेंगे औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई और लंबाई का फिर चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब औसत चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, बीच से लाइन खींच दीजिए और फिर कम से कम 2 इधर कम से कम 2 इधर। तो मान लीजिए मैंने एक खींच दिया यहां, 1 2, ये बीच वाली हो गई 3 4, और ये पहले से खींची हुई है 5, 1 2 3 4 5। मैंने बताया ना कम से कम 5 तो आपको खींचना ही है। अब खींचने अब खींचेंगे कैसे ये भी समझिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां से यहां तक अगर 10 फुट है तो यहां से यहां तक भी 10 फुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तिरछा खींच दीजिए, तिरछा नहीं खींचना है, सीधा खींचना है। ये रेखा और ये रेखा 90 डिग्री पर काटनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने यहां ऐसे खींच दिया और ये वाली ऐसे खींच दिया, नहीं, ऐसे ऐसे आप खींच रहे हैं तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये वाली। अब देखिए ये लंबाई है नापने पर आई मान लीजिए 30 फुट, ये वाली आई आपकी 45 फुट, ये आई आपकी 46 फुट, ये आई आपकी 42 फुट
और ये आपकी 40 फुट है। सबको लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5 लिखेंगे आप, है ना, ऊपर क्या लिखेंगे, 30, 45, 46, 30 धन 45 धन 46 धन 42 धन 40। सबको जोड़िए, मतलब इन सबको जोड़िए, तो यहां लिख देते हैं 203 आया था ऊपर जोड़ने पर, नीचे 5 आया था, भाग करने पर 40.6 आया, ये क्या आ गया आपका फुट। तो औसत लंबाई भी आ गई और औसत चौड़ाई भी आ गई, अब पहले भाग का क्षेत्रफल आपका निकल गया। लंबाई कितनी है, 42.85 गुणा कर दीजिए चौड़ाई में 40.6 का, गुणा करने पर जो आए वो लिख दीजिए, 1739.71 वर्ग फुट। ठीक है, किसका क्षेत्रफल आ गया, पहले वाले भाग का क्षेत्रफल 1739.71 वर्ग फुट। कैसे आया, औसत लंबाई का औसत चौड़ाई में गुणा करने पर। ठीक, अब ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी होगा, ठीक इसी तरह से दूसरे भाग का क्षेत्रफल, तो दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, वही औसत लंबाई का औसत चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो औसत लंबाई निकाल लीजिए पहले, ठीक है, चलिए यहां हम निकाल लेते हैं औसत लंबाई, औसत लंबाई, फिर नीचे निकाल लेंगे औसत चौड़ाई। ठीक है, फिर औसत लंबाई का औसत चौड़ाई में गुणा कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर पहले वाले का क्षेत्रफल और दूसरे वाले का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे मैंने यहां किया था वैसे ही आपको यहां करना है, आपको यहां से यहां तक एक लाइन खींचना है, और मान लीजिए कि ये लाइन आपकी आई 55 फुट, इससे थोड़ी बड़ी 55, फिर एक लाइन यहां खींचा, एक लाइन यहां, दो यहां भी आप खींच दीजिए। इस वाले प्लाट में हम 5 ही लाइन खींच रहे हैं लंबाई की, तो क्या हो गया, इसमें 55 ये वाली लंबाई 45 है, ये 50 है, ये 55 है, फिर मान लीजिए नीचे वाली 48 आ गई है, फिर उसके नीचे वाली ये 42 है, तो 45, 50, 55, 48, 42 45, 50, 55, 48 और 42 कितनी लंबाई है, 5 लंबाई। सबको जोड़कर भाग कर दीजिए, 240 आएगा इन सबको जोड़ने पर, तो 240 में 5 का भाग करिए, 5 24 5 8 40 फुट। क्या आ गया, औसत लंबाई, तो औसत लंबाई के स्थान पे क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख दिया मैंने 48। अब क्या निकालेंगे, औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई के लिए एक लाइन यहां खींच दिया, एक यहां, एक पहले से यहां खींची हुई है, दो यहां, ये 40 है, और उसके बाद ये मान लीजिए आपकी है 44, और फिर बीच वाली है 46, इधर 40 और 38। ठीक है, लिख दीजिए 40, 44, 46, 44, 46, फिर 40 और 38 बटे 5। सबको जोड़िए ऊपर, 208 आएगा, 208 में 5 का भाग कर दीजिए, 41.6 फुट। तो औसत चौड़ाई कितनी आ गई, 41.6, तो यहां औसत चौड़ाई यानी 41.6 में गुणा कर दीजिए, तो लंबाई 48, चौड़ाई 41.6, गुणा करने पर 1996.8 वर्ग फुट।
पहले भाग का क्षेत्रफल 1739, दूसरे भाग का क्षेत्रफल 1996, जोड़ दीजिए पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो क्या करेंगे, यहां लिखिए पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल मतलब पूरे खेत का क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल बराबर पहला भाग धन दूसरा भाग। तो पहला भाग आया है 1739 धन सॉरी 0.71, दूसरे भाग का आया है 1996.8। 1996.8 जोड़ दिया इन सबको, आ गया 3736.51, 3736.51 वर्ग फुट। ये पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप इस तरह के खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे जरूर कि क्यों मैंने इतनी लाइनें खींची हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो ये खींचना हमारी मजबूरी है, बिना खींचे आप निकाल ही नहीं सकते। अगर आप केवल इसको खींच दीजिए 50 फुट, केवल इसको खींच दीजिए 46 फुट, तो 50 का 46 में गुणा करेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वो इसका वास्तविक क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि 50 और गुणित 46 का मतलब होता है कि अगर यहां से यहां तक 50 है तो यहां से यहां तक भी 50 हो, यहां से यहां तक भी 50 हो, कहीं भी लाइन खींचे 50 ही हो तब 50 होगा। लेकिन यहां तो हर जगह अलग अलग है ना, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतनी लाइन आप खींचिए और सबको जोड़िए, जितनी लाइन खींचा है उसी संख्या का भाग करिए, तब आपकी औसत लंबाई आएगी और इसी तरह से औसत चौड़ाई निकालिए और फिर गुणा कर दीजिए। लगभग लगभग 99% जो क्षेत्रफल आएगा वो सही आएगा। 100% मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक चीज और है, जहां आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते थे, कोई दिमाग ही नहीं लग रहा था कि कौन सा इसमें ट्रिक लगाए, न वृत्त का लगेगा, न गोले का लगेगा, न अंडे के आकार का प्लाट है, ये किसी तरह का नहीं है ना, तो कौन सा ट्रिक इस पे काम करेगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, इसमें आपको यही करना होगा और मेरे समझ से इससे सरल तरीका आपके पास नहीं है, इसमें लेबर वर्क है, आपको बार बार नाप करनी पड़ेगी, लेकिन काम तो हो जाएगा। तो बस यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। अगर कोई डाउट्स है जो मैं समझाने में आपको असफल रहा, आपके समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको उसको विस्तार से समझा दूंगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।